हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। हमने अब तक फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के अब तक हमने 14 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा 15 लेक्चर है रियल नंबर पर। क्या है प्रूव दैट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? 7+5√ इज ए इरेशनल नंबर। हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वैसे ही हमने ये क्वेश्चन करना है। जैसे ये हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको क्या मानेंगे? रैशनल। लेट 7√5 इज ए रैशनल। हमने क्या माना इसे? रैशनल। रैशनल है तो रैशनल की फॉर्म क्या होती है? a by b, यानी कि 7√5 इक्वल टू a by b, b इज नॉट इक्वल टू 0 और HCF ऑफ ए और बी इक्वल टू क्या होता है? 1। लास्ट क्वेश्चनों में भी हमने ऐसे ही किया था, अब भी ऐसे ही करेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर, यानी कि 7 को हम इधर लेकर के जाएंगे, √5 इक्वल टू a/7b। a/y हमारे पास एक रैशनल नंबर है। यदि हम किसी रैशनल नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो भी वो क्या रहेगा? हमारा रैशनल नंबर। इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? इज ए रैशनल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। ये किसके इक्वल है? √5। तो ये क्या हुआ? √5 इज ए रैशनल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। बट परंतु वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर विच इज ए कंट्राडिक्शन। ये यहां पर कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों आ गई? यहां पर तो क्या कह दिया कि √5 क्या? रैशनल। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है? हमारा इरेशनल। इसीलिए ये कंट्राडिक्शन आई। कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने इस नंबर को क्या माना था? रैशनल। इसलिए हमने जो प्रूव करना था, 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट पार्ट है हमें प्रूव दैट 6+√2 इज ए इरेशनल नंबर। 6+√2 को हमने क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। लेट 6+√2 इज ए
रैशनल नंबर, सिक्स प्लस स्क्वेयर रूट टू इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हम इसे किसकी फॉर्म में लिखेंगे? हम इसे p बटे क्यू यानी कि a बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे और b इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिख दिया। और यहां पर a और b का HCF कितना है? a और b का HCF यहां पर है वन। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। किसी रैशनल नंबर में से कोई रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? वो रैशनल नंबर। तो सिक्स हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर। यदि हम इसको उधर लेकर के जाएंगे तो स्क्वेयर रूट टू इक्वल टू ए बाई बी। हमने पहले ही बताया था यदि हम सिक्स को इक्वल के साइन से अनदर साइड लेकर के जाएंगे तो ये अपने निशान को क्या करेगा? चेंज। तो इधर सिक्स प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का सिक्स हो गया तो ये भी क्या होगा? इज ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, ये किसके इक्वल है? स्क्वेयर रूट टू के। तो ये स्क्वेयर रूट टू इज ए रैशनल नंबर। ये स्क्वेयर रूट टू हमारा क्या बन गया यहां पर? रैशनल नंबर। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्क्वेयर रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि वर्गमूल टू तो इरेशनल होता है। तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन आ गया यानी कि विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह आ गया कि ये रैशनल नंबर है, यहाँ पर कह दिया कि ये इरेशनल नंबर है। विच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि ये तो हम जानते थे ये रैशनल बन गया। ये रैशनल क्यों बना? क्योंकि इस नंबर को हमने रैशनल मान लिया था, इसलिए ये रैशनल नहीं हो सकता। तो यानी कि रैशनल नहीं होगा तो वो नंबर क्या होगा? इरेशनल। इसलिए सिक्स प्लस स्क्वेयर रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। इसलिए सिक्स प्लस स्क्वेयर रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारी एक्सरसाइज हुई। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बना करके दे सकता है, कुछ भी बना सकता है इस टाइप के। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी जो आज कंप्लीट हुई। सभी स्टूडेंटों को ये जो एक्सरसाइज हैं जो हमने कार्य कराया है अपनी नोटबुक में करेंगे और इन पर प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।